बेनाम खुदावंद बख्शंदे ये मेहरबान सलाम वारत अदब एहतराम दर हमदर खिदमत तमाम दोस्तान व आजीज़ान नाज़रीन गिरामी, हम फारसी ज़बान सीख रहे थे और इस सिलसिले में आज हम एक मुकालमा पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम एक से लेकर 20 तक फारसी ज़बान में गिनती सीखने की कोशिश करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक मुकालमा है। दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, पूछते हैं, एक पूछती हैं सलाम तो इमरूज को जा रफ्ते बूती थे, सलाम तुम आज कहाँ गई थी, रफ्ते बूदी कहाँ गई थी। आगे से वो जवाब देती है सलाम मैं इमरूज़ पे बाजार रफ्ते बूदा, सलाम मैं आज बाजार गई थी। आगे से वो पूछती है तो आज बाजार चे चीज़ी खरीदी थी, तो आज बाजार चे चीज़ी खरीदी, तूने बाजार से आज क्या खरीदा। वो आगे से जवाब देती है मैं आज बाजार से अदद दामन व दो अदद बलूस खरीदम, मैंने आज बाज़ार से तीन दामन, इसको दामन कहते हैं, ठीक है, ये जो कमर से लेके नीचे तक होता है दामन, व दो अदद बलूस खरीदम, और ये बलूस दो बलूस मैंने खरीदे, ऊपर को जो शर्ट पहनते हैं। तो आपने देखा कि फारसी ज़बान में जब अदद बयान हो तो उसके साथ जो मौजूद होता है वो मुफरद आता है, से अदद दामन, दामन हा नहीं कहा, बलोज दो अदद बलोज हा नहीं कहा, बलोज कहा है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जब अदद आ जाता है से एक दो से चार पाँच और उसके साथ जब मादूद आता है तो वो मादूद हमेशा मुफरद होता है। मैनस बाजार से अदद दामन व दो अदद बलोज खरीदम, बलोज हा नहीं कहा, दामन हा नहीं कहा, तो ये आपने नुकता याद रखना है। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं फारसी ज़बान में 1 से 20 तक गिनती कैसे लिखते हैं और हम कैसे पढ़ते हैं। आमोज़िश अदद फारसी अज अदद एक तो 20। फारसी ज़बान में गिनती 1 से लेकर 20 तक कैसे सिखाते हैं, सिखाने का तरीका क्या है, कैसे सीखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला लिखा है यिक, क्या लिखा है यिक। अगर हम अफगानी फारसी या फारसी दरी में पढ़ेंगे तो हम इसको कहेंगे पढ़ेंगे यक, लेकिन ईरानी फारसी में हम इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं यिक और लिखते हैं हम ऐसे हैं यिक, और इंग्लिश में हम फिर इसको ऐसे लिखते हैं यिक, ठीक है। तो ये यिक। अगला लफ्ज़ देखते हैं, अगला लफ्ज़ क्या है दो, ये दो नहीं है दो है, ठीक है, दो दो और ये दो इंग्लिश में टू, ठीक है, ये दो है। अक्सर लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये भी मारूफ है और इसको दू करके पढ़ लेते हैं, ये दू नहीं है दो है, आपने याद रखना है दो दो और ये इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं टू। फिर आगे है से, क्या है से, ठीक है, और ये से और ये फिर इंग्लिश में ऐसे तीन से, ठीक है, तीन से। फिर आगे आगे है ये चहार, चा और चहार, फिर ये चहार और ये फोर, ये है पांच, ठीक है, पांच हम फारसी में कहते हैं लेकिन उर्दू में पांच कहते हैं, लेकिन फारसी में जो पे होता है हम उसको फे कह के बुलाते हैं, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है कि ये पे के बाद एक छोटी दो आँखों वाली हे भी है जो यहाँ पे महजूफ है, नज़र नहीं आ रही, तो अपने तलफ़ुज़ के लिए पे को जब भी पढ़ना है तो पढ़ना है फांज फांज, ठीक है, फांज। तो ये पांच को लिखेंगे और इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखेंगे पांच, ठीक है, ये है फांज। शिश, शुश नहीं है ये शिश है, ठीक है, शश भी नहीं है, शिश शिश, ए और सिक्स। हाफ, क्या है हाफ, और सेवन हफ्त सात। हश्त, क्या कहते हैं हश्त, आठ से लिखेंगे और फिर एट। नो, नो नो नहीं है ये नो है, ठीक है, नो नो और नाइन। दा, देह नहीं है ये दा है, ठीक है, दा दा दस और टेन। यास्ता, क्या है यास, यास्ता यास्ता इलेवन। दवास्ता, दवाज़दा, दवास्ता ट्वेल्व, दवास्ता ट्वेल्व बारह।
सीज़दा 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 13 या 13, चौहार्दा चौहार्दा 14, 14 को कहते हैं चौहार्दा, 14, फूंसदा, ये लिखा हुआ है फांसदा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे बोलेंगे तो हम कहेंगे फूंसदा, क्या कहेंगे फूंसदा, लिखने में फांसदा लेकिन बोलने में फूंसदा। 15, 15 15, शूंसदा शूंसदा, पढ़ने में शूंसदा लिखने में शांसदा शूंसदा। 16, 16 हीफदा, आपदा नहीं है ये हीफदा है, ठीक है हीफदा। 17, 17 हिजदा हिजदा हिजदा। 18, 18 18 18। नूसदा नूसदा नहीं नूस दा नूस दा। 19 उसका 19 का 19। 20 20 20 20। तो क्या हो गया, अब एक दोबारा पढ़ लेते हैं। एक दो से और पांच शीश अष्ट नौ दस। एक दो से चार पांच शीश आठ नौ दस। ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। तो आज आपने 20 तक की गिनती सीखी है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम को मज़ीद आगे पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे।